ट्रेडर्स दा समझौता हो गया है मंदिर मैनेजमेंट कमेटी नाल ते मिसलीड करना चाहते हैं। अच्छा जी, ऐसा ना कोई समझौता होया ना कोई होना है। अच्छा जी, मंदिर कोल और महामाई कोई व्यापारिक अदारा नहीं है। ठीक है, गल हुई कि यह चीज मीडिया च आने तो बाद ट्रस्टियां ने कुछ ट्रस्टियां ने तुहाड़े ते प्रेशर बनाया होवे। नहीं, क्या जिहड़े बंदा मंदिर दा होके भी गलत काम करिया उन्हूं घट्टो घट मंदिर चों कढ़ना चाहीदा। पर उह 11 लाख नालों भी किते ज्यादा मंदिर नूं देण नूं भी तैयार सी, मैनूं भी उन्होंने प्रलोभन दित्ता। पर जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा है ते अज दा मामला एक बार फिर हैगा श्री दुर्गा माता मंदिर दा। जी हाँ, तुहानू जिद्दां कि असीं दिखाया सी श्री दुर्गा माता मंदिर दे विच साईं नाथ ट्रेडर्स वल्लों जिहड़ा नकली घिओ दा जिहड़ा सप्लाई करन दा जिहड़ा मामला बहुत ज़्यादा गरमाया होया है ते उहदे विच सडनली अज संडे नूं बहुत सारियां बाजार च चर्चावां गरम हो गईयां। उहदे विच इह किया गया कि शायद जिहड़ा हैगा उह साईना ट्रेडर्स दा समझौता हो गया है मंदिर मैनेजमेंट कमेटी नाल ते उन्होंने 11 लाख रुपया दे के जिहड़ा हैगा मंदिर तो माफ़ी मांग ली है और सारा मामला शांत हो गया। जदों इदां दीआं खबरां पहुंचियां साडे कोल भी पहुंचियां ते असीं पहुंचे। सर नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, की हाल है जी? जय माता दी। जय माता दी। सर, पता लग्या कि जिहड़ा साईना ट्रेडर दा जिहड़ा नकली घी दा जिहड़ा उन्होंने सप्लाई किया सी मंदिर च, उह मामले च उन्होंने माफ़ी मांग ली है और 11 लाख रुपया दे के मंदिर च उन्होंने गले च चढ़ाया, इदां दी कोई गल हुई है? सर, ये बिल्कुल गलत खबर है जिहड़ी सुन दित्ती है। अच्छा, मिसलीड करना चाहते हैं। अच्छा जी, ऐसा ना कोई समझौता होया ना कोई होना है। अच्छा जी, मंदिर कोल और महामाई कोई व्यापारिक अदारा नहीं है। ठीक है जी, वो तो एक सच्चाई से रहने वाला अदारा है जी। मैनू भी उस थोड़े जो न्यूज़ चैनल च आया, मैनू भी बहुत दोस्तों ने कहा वरिंदर जी तुम ये किदा कहता कि वह माफ़ी मांगते हो तो उन्होंने छड़ दिता जाए। अच्छा जी, कहते मंदिर नूं की है, मंदिर कोल तो किसी बंदे ने गलत काम किया, उन्हें गलत चीज़ सप्लाई की जिहड़ी कि इन्नी ज़्यादा गलत सी अपनी भावना टोया। सिर्फ वो अगेंस्ट मंदिर को FIR करनी चाहिए, सख्ती उन्होंने फॉलो करना चाहिए ताकि लोगों को लैसन मिले। अच्छा, यो क्या जो बंदा मंदिर में होकर भी गलत काम करे उन्होंने घट्टो घट मंदिर चो कढ़ना चाहिए और वो अगेंस्ट भी पुलिस एक्शन लेना चाहिए। ओके, जिमें पर यह गल्ला कितों आई फिर बाजार के उन्होंने आके माफ़ी मांग ली और लोगों ने उन्होंने माफ़ कर दिता, उन्होंने भी अप्रोच किया तो उस बाद? सर, वो अप्रोच तो मैं अगे भी पिछली मीटिंग जो किया मैनू करते रहे। अच्छा, मंदिर में भी बहुत सारे पैसे देने तैयार से और उन्होंने 11 लाख रुपए की उन्होंने राशि बोली। सर, वो 11 लाख नालों भी कितने ज़्यादा मंदिर में देने भी तैयार से, मैनू भी उन्होंने प्रलोभन दिता। पर यह गल्लां च की हैगा, अपन लोग मंदिर नाल जुड़े हुए हैं, भावना जुड़े हुए हैं। इस मामले च अगे की स्टैप स्ट्रैटेजी बनी है? इस मामले च की है, मेन तो ट्रस्ट ने सारा फैसला लेना है। ट्रस्ट अज दे दिन 16 ट्रस्टी है। अज ट्रस्ट ने मंगलवार की 1 बजे की मीटिंग रखी है। अच्छा, वो सारे 16 ट्रस्ट 14-15 जिन्हें आते सारे आएंगे और फैसला लेंगे। मैनू नहीं लगता कि मंदिर नूं अदारा जिहड़ा हैगा धार्मिक है और उत्थे भावनावां दा केंद्र है, उत्थे किसे नूं भी बख्शन दा या माफ़ी दे के पैसे लैण दा होना चाहिए। घिओ वाले ते भी FIR होनी चाहिए है और जिस बंदे ने ट्रस्टी ने गलत काम किया उहदे ते भी FIR होनी चाहिए, उहदे को माफ़ी मंगवानी चाहिए, उहदे को रेजिग्नेशन लेना चाहिए। तुहानूं हुण तक किते किते फोन आ गए या होर जिवें? सर, मैनू घट्टो घट्ट ना, मैं स्कूलों च बहुत काम करना, किन्ने प्रिंसीपल ने कहा जी तुसी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुसी आ गल नहीं कहनी चाहिए कि सानू आन ते माफ़ी दे दें ते गले च पैसे पा दें। मैं कहा जी मैं गले च पैसे पाँदा नहीं, मेरा मतलब सी, मेरा मतलब सी अगे तो संकल्प करना सी गलत काम नहीं करांगे। एक तुसी कह रहे सी कोई NGO वगैरह दे भी फोन आए तो? सर, मैं खुद NGO चलाना प्रेरणा पीठ, मेरा NGO मैं रोज़ गार्डन संस्था भी लिता सी। मैनू बड़िया ने कहा सर सानू फाइट दी साडी लोड है, तुसी ईवन अमूल ते केस क्यों नहीं किया? मैनू बड़िया ने कहा और अमूल दे एक दो लोकल बंदियां दे फोन आया तुसी रिटर्न कंप्लेंट दो। मैं कहा साडी ट्रस्ट की मंगलवार को मीटिंग होगी, उसे जिहड़ा फैसला दिता जाऊगा उही किया जाऊगा, मैं कल्ला कोई फैसला नहीं लै सकता। मंदिर के ट्रस्टियां नू भी मेरी बेनती है कि मंदिर के हित च और भगतां की भावना रखते हुए सख्त तो सख्त कार्रवाई घिओ वाले के खिलाफ की और जिस ट्रस्टी ने काम किया उसके खिलाफ। सर, मैं तुहानू इंश्योरेंस दिना मैं हर वेले मंदिर की भगतों की गल सुनना, सानू लोगों ने शुक्र है माँ ने मौका दिता सेवा करन दा, सिर्फ सेवा ही करना चाहते हैं, सानू कोई पावर सत्ता का किसी तरह का कोई लोभ नहीं है। रब को जाइए नीवे होने लिए, सरेंडर करन लिए, ना कि इनकार बधाने लिए। बस इदां दा तां नहीं गल होई कि यह चीज़ मीडिया च आन तो बाद ट्रस्टियां ने कुछ ट्रस्टियां ने तुहाडे ते प्रेशर बनाया होवे कि मामले नूं तुसीं क्यों चक्किया या इहनूं बिठा दो असीं आपे संभाल लैने तुसीं चुप कर जाओ? सर, पहले दिन तक कुछ ट्रस्टी बड़े नाराज़ होए कि तुसीं कल्यां ने फैसला क्यों चुक लिया। मैं उन्होंने बड़ा किया जी, मैं सूँ 10 दिन का मिन्नत कर रहा, आप कुछ करिए, वक्त निकलता जाता, होर 10 दिन चुप रह जाते ना
मैं कहा मेरी नींद खराब हो जानी थी, मैं स्पष्ट उन्होंने किया, मैं कहा मैं तो कल्ला हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, ये तो बात तुम सारे चाहे मिलकर कोई एक्शन मेरे अगेंस्ट लेना ले लियो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मां नाल खड़ा तो भगतों नाल खड़ा बस। जय माता दी, जय माता दी। भगतों की कहना चाहोगे? सर भगत मां प्रार्थना करन, ट्रस्टियां भी सदबुद्धि देवे, जेडे इह जे गलत काम करते हैं उन्होंने सदबुद्धि देवे। थैंक यू बस, धन्यवाद। तो दोस्तों ये सीगे श्री वरिंदर जी मित्तल साहब जिन्होंने खुल के अज भी बेबाकी नाल बड़ी क्लीयर जी चीज़ दसी कि किसे तरीके का कोई समझौता नहीं होया, और जद तक जो भी समझौता होएगा वो ये आप जिदा ही ट्रस्ट का कोई भी समझौता होएगा मंगलवार की जिदा इन्होंने दसिया कि अगली स्ट्रैटेजी लिए मीटिंग रखी गई है इस सारे फैसले लिए, तो इन्होंने यह भी दसिया कि अमूल कंपनी के जेडे हैड ऑफिस तो प्लस लोकल तो जेडे लोग है उन्होंने भी इन्हों अप्रोच किया है कि यह सारा मामला दसिया जाए ताकि वह भी उस जेडे ट्रेडर के जिन्होंने अमूल का नाम से गलत घ्यो सप्लाई करन दी गल कीती हरकत कीती है उन्होंने अगेंस्ट वह भी कार्रवाई करन। सो इन्हां नूं होर NGO संस्थावां दे भी फोन आ रहे हैं, आम शहर दे भी फोन आ रहे हैं, सो इन्हां ने बड़ा क्लीयर किया है कि इत्थे उही होएगा जो शहर के लोग चाहणगे या ट्रस्ट दे विच इन्हां ने गल रख दिती है। फिलहाल एक बार सारिआं दी नज़र ट्रस्ट ते है कि हुण ट्रस्ट उस साईनाथ ट्रेडर्स नूं ते जिहड़े मंदिर दे अंदरले बंदे इनवॉल्व जिन्हां दा जिहड़े कल्परेट नज़र आ रहे हैं जिन्हां ने इदां दा सारा ये शह दित्ती पूरे मामले नूं जिहड़े भी तथाकथित तो लोग हैगे है उन्हां दे बारे की फैसला लैंदे है, तो सारा लुधियाना शहर अज मंदिर दे वो ट्रस्टियां वाल देख रहे हैं। हुण सारी दी सारी गल ये है कि देखते हैं ट्रस्टी इस पूरे मामले च अपने आप नूं किदां निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए किदां अपने आप नूं अपनी साख बचाते हैं और मंदिर की गरिमा नूं होर वधांदे है। इदां ही होर भी चीज़ां नाल तुहानूं जाणू कराते रहोंगे, देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद।